हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल को पेपर को लेकर। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑप्शनल पेपर से संबंधित, खासकर ज्योग्राफी पेपर से संबंधित कुछ बताइए। तो ज्योग्राफी पेपर की अगर बात किया जाए तो ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छा पेपर ग्रुप में जाना जाता है। स्पेशली कहा जाए अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक अच्छा ऑप्शनल पेपर रहा है। ज्योग्राफी से हमेशा इससे रिजल्ट हुआ है, अब अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है। अगर इसमें आप प्रॉपर वर्क करते हैं, प्रॉपर अच्छा ढंग से अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। स्कोर यानी इसको नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ प्रॉब्लम है, थोड़ा सिलेबस लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा आपको सिलेबस देखने में लगेगा। खासकर जब दोनों सिलेबस जब एक में मिला दिया है, जब दोनों पार्ट वन यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों एक मिला दिया है तो काफ़ी बड़ा सिलेबस लगता है। सिलेबस दिखने में लगता है बड़ा, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाला है, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा। क्योंकि बीपीएससी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, आज भी वही फॉलो कर रहा है। अगर इस बार 60-62 का मेंस देखेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा कि कुछ नया नहीं रहा। लोगों को लग रहा था कुछ नया करेगा, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही रहा। बस जो है सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन को थोड़ा डिवाइड कर दिया है। सेक्शन वन में कर दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी और सेक्शन टू में कर दिया इंडियन ज्योग्राफी, मार्क्स बढ़ा दिया। क्वेश्चन का पैटर्न, स्टाइल सब कुछ वही था। ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान देने की चीज़ है कि आपको पहली बात है कि आपको एक कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए। ज्योग्राफी आप ऑप्शनल तभी लें जब आपको पहले से कुछ आइडिया है, ग्रेजुएशन या फिर कहीं से आप ज्योग्राफी पढ़ें या फिर घर में कोई आपको बताने वाले हैं या फिर कोई टीचर हैं जो आपको प्रॉपर अच्छा ढंग से गाइड करते हैं। तो इन सारी चीज़ें अगर मिल जाते हैं तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले सकते हैं। थोड़ा इसमें आपको समय भी लगेगा, तो आप समय भी मान के चलें कि कुछ आपको समय लगेगा और उस समय इतना समय स्पैन में आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई आपको बता देता है कि नहीं आप कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर गाइड मिलता है तब आप ऑप्शनल लें, लेकिन अदरवाइज ये आपको ऑप्शनल नुकसान भी कर सकता है। आपको पता ही होगा कि जिस ऑप्शनल से सबसे ज़्यादा होता है सिलेक्शन, उस ऑप्शनल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं भी होता है। तो ये दोनों इसमें है। दूसरी बात है कि आपको इसमें थोड़ा सा याद करने का भी कैपेसिटी डेवलप करना होगा, मेमोरी पावर। आपको बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है जो कि आपको कुछ ट्रिक बना के किसी तरह से आपको याद करना होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है कि आपको मैप पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, यानी इंडिया, बिहार, वर्ल्ड, ये तीन मैप पे आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए कि आप कैसे कैसे उसको ड्रा करते हैं। फ्री हैंड ड्रा होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट बनाएं, बस एक लाइन इंडिकेट करें कि लगे कि हाँ इंडिया का ही मैप है। और इंडिया के आप किस कोना की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आप नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैप है उसके आधार पर आपको लगेगा कि चलो मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं तो बस लगना चाहिए मैप में, बस एक इंडिकेशन होता है। उसके अलावा फ्री हैंड ड्रा होता है उसमें आप उसको बना सकते हैं कि कैसे, जैसे कि अगर लैंडस्केप है उसको बहुत सारे डिवीजन है, टाइप है, तो उसको आप थोड़ा सा स्मॉल डिवीजन में आप बना के उसको टाइप करके बना सकते हैं। जैसे कुछ कुछ रॉक सिस्टम होता है जिसका कि कुछ शेप की बात होता है, तो वहाँ पे आप सिंबॉलिक रूप से बनाना होगा आपको। क्योंकि ये मैप में आधा क्वेश्चन माना जाता है कि ये मैप ही होता है। अगर जैसे कि कुछ भी पूछता है, जैसे किसी लैंडफॉर्म के बारे में पूछता है, तो लैंडफॉर्म आप नाम खाली गिना देंगे, उससे एक्सप्लेन कर देंगे तो ये क्वेश्चन अधूरा होगा, आधा माना जाएगा। अगर उसी लैंडफॉर्म का बनाते हैं कि नहीं इस तरह का हो गया, जैसे इंसलबर्ग हो गया, ज्यूगेन हो गया, तो कुछ इस तरह का अगर आप बता देते हैं मैप से तो आपका आंसर जो है फुल होगा। तो ये तीन हो गए। चौथा चीज़ है कि करेंट से आप अपडेट रहते रहें ज्योग्राफी में, जैसे कि कहीं कोई साइक्लोन आया, कहीं पे कौन सा एक्टिविटी हुआ है वर्ल्ड एटलस पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो उस सारी एक्टिविटी को आप इसमें जोड़ सकते हैं, यानी करेंट से भी आपको परिचित होना चाहिए। तो आज हम लोग उसी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर वन पेपर टू करके हम लोग एक एक उसको करके डिवाइड करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो देखते हैं कि पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन हो गया, पेपर वन और पेपर टू पहले था, अभी हो गया वो सेक्शन वन सेक्शन टू, यानी एक ही पेपर में हो गया सेक्शन वन सेक्शन टू। सेक्शन वन में हो जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेक्शन वन में हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 4-5 टॉपिक हो जाता है इसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में, और 4-5 टॉपिक हो जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल में सबसे पहला आता है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और अल्फ्रेड वेजनर का जो थ्योरी है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये दो थ्योरी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद आता है लैंडफॉर्म, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो कि ग्लेशियल हो गया, रिवर्स हो गया, या फिर हमारा कास्ट लैंडफॉर्म हो गया, तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हो गया जो कि आपको ध्यान में रखना है। डेविस पैंक, चूंकि इस बार क्वेश्चन डेविस पैंक से पूछा था तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है डेविस पैंक से नहीं पूछे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डेविस पैंक भी इसमें आता है। ओशनोग्राफी में कहें, अगर समुद्र विज्ञान में ओशनोग्राफी में देखें तो ओशनोग्राफी में आपको जो ओशन बॉटम रिलीफ है उसके बारे में जानना होगा, उसके बॉटम का ओशन डिपॉजिट आपको देखना है, सैलिनिटी देखना है, सी सैलिनिटी देखना है, तो ये सब चीज़ जो है आपको ओशनोग्राफी में आ जाएगा।
इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये दो ओशन और तीसरा अटलांटिक ओशन भी आप कर लें, ये तीन ओशन का आप सारे फीचर्स को उसको देख लें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरा जो हो जाता है वो आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब हो गया कि क्लाइमेट के बारे में अध्ययन करना। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, कोपेन का क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और थॉर्नवेट का, ट्रेवाथा का बीपीएससी के लिए नहीं, ट्रेवाथा का यूपीएससी में ही पूछता है। तो कोपेन और थॉर्नवेट ये अल्टरनेट करके पूछता रहता है, कभी कभी एक दोनों को कंपेयर कर देता है, दोनों को कभी कभी बता देता है कि दोनों मतलब एक साथ कभी कभी पूछ देगा। तो आपको कोपेन थॉर्नवेट का आप छोड़ नहीं सकते हैं, एक तो आपको पक्का पूछेगा, लेकिन दूसरा जो है उसमें चांसेज बनता है कि आप दोनों को जाने ताकि उसको मिक्स कर सके। अगर पूछता है डिफरेंस या सिमिलरिटी तो आप उसके आधार पर दे सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में फिर हो गया एयर मास, हो गया एयर मास, एयर फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, जितना ही फ्रंट है उसको आप देख सकते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन भी आ जाएगा ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी में, जिसमें कि जेट स्ट्रीम भी पढ़ना है आपको, तो ये सारी चीज़ को आप देख सकते हैं। और जो इस फिजिकल में जो लास्ट वाला पोर्शन आता है वो आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको देखना है एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये तीन चीज़ हो गया। और तीनों का आपको इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो देखना है कि पॉल्यूशन, हाँ इसमें पॉल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे। फिर हमारा ये क्या आ जाता है, कोरल रीफ हो गया, एटॉल्स हो गया, कोरल रीफ कितने तरह के होते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो गया, कोरल रीफ को कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो ये सारी चीज़ आपका एक आगे फिजिकल में। दूसरा सेक्शन जो आता है वो आता है ह्यूमन, ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा जाए, वर्ल्ड की अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो आता है ज्योग्राफिकल थाट्स। ज्योग्राफिकल थाट्स में ड्यूअलिज्म आ गया, डाइकोटोमी, ड्यूअलिज्म में, जिसमें कि आपको ज्योग्राफी को डिवाइड भी किया जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इस तरह से। और उसके साथ साथ जो दो फिलॉसफी है, जो थाट्स है, उसमें आ गया कि ड्यूअलिज्म में आ गया, कौन सा आ गया, एक आ गया पॉसिबिलिज्म, एक आ गया मतलब डिटर्मिनिज्म, यानी संभाववाद, संभववाद और संभाव्यवाद। तो ये दो चीज़ है, पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म ज्योग्राफिकल थाट्स में आ जाते हैं। इसमें आपको क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन भी आ जाएगा, जिसके बाद में माना जाता है कि उसके बाद में मॉडल्स एंड थ्योरी बहुत सारे डेवलप होने लगे, तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन भी आ जाएगा। मॉडल्स एंड थ्योरीज में देखें तो बहुत सारे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के बाद में जो बहुत सारे थ्योरी आए, जैसे कि इंडस्ट्रियल थ्योरी हो गया, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी हो गया, उसके अलावा फिर एग्रीकल्चर का जो वाइटली का कंसेप्ट हो गया, तो ये सब जो है वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न हो गया, तो ये सब जो है आपको इसमें आ जाएगा मॉडल्स एंड थ्योरीज में। रूरल अर्बन सेटलमेंट में है वर्ल्ड का रूरल अर्बन सेटलमेंट, इसमें माइग्रेशन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ह्यूमन सेटलमेंट की बात किया जाए तो वो जो है वर्ल्ड का सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है, तो वो सारी जो है इसमें आ जाएगा रूरल अर्बन सेटलमेंट में। चौथा में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वर्ल्ड ट्रेड आ जाएगा, डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस के बीच में किस प्रकार का ट्रेड है वो इसमें आपको अच्छा से पढ़ना होगा। डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में वर्ल्ड इकोनॉमिक, यानी कहा जाए तो ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है और वर्ल्ड ट्रेड किस प्रकार का है, पहले किस प्रकार का रहा है, अभी किस प्रकार का था, ट्रेंड किस प्रकार चेंज हुआ, तो ये हो गया हमारा सेक्शन वन, यानी हो गया हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, वो देखते हैं ज्योग्राफी में, अगर देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल वर्ल्ड ज्योग्राफी की जैसा ही इसमें है। इसमें कुछ टॉपिक देखें तो पहला हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें कि हिमालयन सिस्टम पूछता है, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पूछता है, यहाँ का नदी प्रणाली और उसके साथ साथ जो हिमालय का बनावट है कैसे है, किधर कौन हिमालय है, कितने प्रकार से डिवीजन किया गया है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, पेरेनियल रिवर्स, हिमालयन रिवर्स और फिर जो पेनिनसुलर रिवर्स है, तो ये सब पूछेगा, इस सारा इसी में आ जाएगा। फिर प्लेटो के बारे में पूछेगा, पेनिनसुलर प्लेटो, पठार के बारे में, तो ये फिजिकल में आ गया। इसमें आ जाता है फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में देखें तो ह्यूमन सेटलमेंट पूछता है, बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट है इंडिया में, ह्यूमन सेटलमेंट यानी रूरल सेटलमेंट किस तरह से है, ग्रामीण का परिवेश और शहरी का किस तरह से शहरीकरण हुआ है, तो ये सब जो है आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा इंडिया के बारे में। इंडिया में आपको पढ़ना है इंडिया का कल्चर। दूसरा आ गया रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आ गया कि यहाँ पे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं भारत को डेवलपमेंट करने के लिए, तो पूरा रिसोर्सेज के बारे में आपको जानना है। फिर आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है, एग्रीकल्चर में अभी क्या रोल है, किस प्रकार का एग्रीकल्चर है इंडिया में, और यहाँ पे आपको बिहार में भी आपको सारा चीज अगर यहाँ से आप देखें तो रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, यानी सब में आपको बिहार में भी आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आ गया इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पैटर्न किस तरह का है, कितना इंडस्ट्रियल जोन है, क्षेत्र है, तो वो सब इंडस्ट्रियल में आ जाएगा। सेटलमेंट में बात करें तो जो हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में बात करें तो वहाँ पर इकोनॉमिक भी हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आ गया और साथ साथ सेटलमेंट की भी बात किया जा रहा है। दिल्ली का सेटलमेंट किस तरह से, दिल्ली नगर किस तरह से बचाया गया, या फिर जो केस स्टडी है जिसे इलाहाबाद के बारे में केस स्टडी है,
या फिर बनारस के बारे में, तो कुछ ऐसे ऐसे सिटी के बारे में केस स्टडी है जो कि कभी कभी रिलेट करके पूछ देता है। फिर है रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग में रीजनल प्लानिंग किस प्रकार का होता है, रीजनल प्लानिंग कितना महत्वपूर्ण है, यानी क्षेत्रीय प्लानिंग जो कहा जाता है भारत में। उसके अलावा तो बिहार ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी में आपको सारे टॉपिक को आपको दिमाग में रख के पढ़ना है, क्योंकि बिहार में आपको बिहार का आपका फिजिकल डायग्राम भी देखना है आपको। फिजिकल का मतलब हो गया कि जो बिहार को जिस तरह से डिवाइड किया गया है, कौन सा रॉक सिस्टम से बना हुआ है बिहार, कौन किस किस प्रकार के वहाँ पर सॉयल है, तो इस सब को देखना है। वहाँ का फॉरेस्ट देखना है, रिवर देखना है, ड्रेनेज सिस्टम। इसके अलावा देखें तो बिहार में सेटलमेंट हो गया, बिहार में इंडस्ट्री किस प्रकार का, बिहार का एग्रीकल्चर किस तरह का है, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इस सारे चीज़ आपको आएगा बिहार में। तो बिहार ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया ज्योग्राफी का इसका मेन मेन टॉपिक। अब बात करते हैं इसके लिए बुक की बात करें, तो बुक देखा जाए तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसके लिए सविंदर सिंह से अच्छा बुक कभी भी नहीं है। सविंदर सिंह बहुत अच्छी बुक है, और भी बुक अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो देख सकते हैं, लेकिन सविंदर सिंह मेरा सजेशन है, सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी कम से कम आप जरूर देखें। अगर बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक अलग से बुक आता है माजिद हुसैन का, ह्यूमन ज्योग्राफी का बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी जो है माजिद हुसैन का आप देख सकते हैं। बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, तो इंडियन ज्योग्राफी भी माजिद हुसैन का भी बहुत अच्छा है, और भी बुक इसमें ऑथर हैं, तो माजिद हुसैन मुझे लगता है कि ठीक है, आपको आसानी होगी समझने में, तो माजिद हुसैन का किताब को आप देख सकते हैं। बिहार ज्योग्राफी जो है, बिहार ज्योग्राफी को आपको बहुत सारे मटेरियल्स आपको लेना होगा, कोचिंग संस्थान के मटेरियल्स आपको हेल्प लेना होगा। अब ऐसे बिहार ज्योग्राफी का एक है ज्योग्राफी एंड यू एक बुक है, तो उससे आपको ज्योग्राफी में हेल्प मिल सकता है। अगर आपके पास उपलब्ध होता है तो आलोक रंजन का जो नोट्स आता है उससे आपको बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन बिहार ज्योग्राफी के लिए आपको खुद वर्कआउट करना होगा, बिहार के बारे में क्वेश्चन बैंक को स्टडी करना होगा। क्वेश्चन बैंक के बाद आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन उठता है और किस किस प्रकार के बिहार का क्वेश्चन होता है, उन सारे टॉपिक को आप बिहार से कवर कर सकते हैं। ये आपको जीएस में भी काम करेगा, तो इस कारण कहा सकता है कि आप इसको एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेकर आप इसको बना सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल है और इसमें अच्छा नंबर उठता है अगर आप अच्छा ढंग से इस पर वर्कआउट किए हैं। तो सिलेबस आपको थोड़ा लेंदी लगता होगा, लेकिन इतना भी लेंदी नहीं है, आप अगर आपके पास समय है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये था मेरा ज्योग्राफी के बारे में राय। तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर रखते हैं तो आप इन सारी चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।